गाइस 15 से 20 हज़ार रुपये के प्राइस सेगमेंट में अगर आप एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे तो Realme का Narzo 30 Pro आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, जब तक कि Redmi Note 10 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। बट जैसे कि आप जानते हैं कि Redmi की Note 10 सीरीज ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि Realme का Narzo 30 Pro लेना चाहिए या फिर Redmi Note 10 Pro, मतलब एक 4G स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए या फिर उनको एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आज इस वीडियो में हम एक डिटेल कंपेरिजन करेंगे Realme Narzo 30 Pro और Redmi Note 10 Pro के बीच में, और आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक बेटर डिसीजन होगा कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना, और आज के इस कंपैरिजन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम कुछ मेजर स्पेक्स को लेकर बात करेंगे जो एक स्मार्टफोन के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डिस्प्ले, डिजाइन, बैटरी, कैमरा और चिपसेट। इसके अलावा प्राइसिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेक्स है जो एक स्मार्टफोन में लेते टाइम सबसे ज्यादा नोटिस किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के साथ में, जो कि एक स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो Redmi का जो Note 10 Pro है वहां पर आपको 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक सुपर AMOLED पैनल है जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ऑफर किया गया है। साथ ही साथ ये डिस्प्ले 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, HDR10 और Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो ऐसा कुछ आपको Redmi Note 10 Pro के डिस्प्ले में देखने को मिलता है। वही Narzo 30 Pro 6.5 इंचेस के एक फुल HD प्लस साइड पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। ये एक IPS LCD पैनल है बट यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया गया है। अब ये जो डिस्प्ले पैनल है ये सिर्फ 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, HDR10 का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, और प्रोडक्शन के लिए Gorilla Glass 3 का प्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। सो डिस्प्ले वाइज Redmi Note 10 Pro में आपको एक बेस्ट डिस्प्ले पैनल ऑफर किया गया है। देखो डिस्प्ले साइज बड़ा है, एक सुपर AMOLED पैनल है, तो IPS LCD पैनल से काफी बेटर है क्योंकि डिस्प्ले काफी ब्राइट है, क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, कलर्स काफी पंची होते हैं। इसके अलावा एक और चीज कि यहाँ एक सुपर AMOLED पैनल आपको ऑफर किया गया है जिसकी वजह से ये डिवाइस IPS LCD पैनल के कंपैरिजन में पावर कंज्यूक्शन थोड़ा कम करेगा और जो बैटरी बैकअप है वो आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा। सो डिस्प्ले वाइज नो डाउट यहाँ पर Redmi Note 10 Pro काफी बेटर ऑप्शन है। अब अगर बात करें डिजाइन को लेकर तो दोनों डिवाइस देखने में काफी अच्छे हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे Redmi Note 10 Pro का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। ग्लास बैक है, यूनिक सा डिजाइन है, एक नया डिजाइन है, तो नो डाउट डिवाइस के ऊपर Xiaomi ने काफी अच्छा काम किया है। डिवाइस का थिकनेस 8.1 है और 192 ग्राम के साथ आता है, जबकि Realme का जो Narzo 30 Pro है उसका जो डिजाइन है वो काफी हद तक Realme 7 के सिमिलर है, तो लगभग सेम सा डिजाइन आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। और अगर थिकनेस की बात करें तो 9.1 का थिकनेस है और 194 ग्राम के साथ आता है। तो Redmi Note 10 Pro के साथ में ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से डिवाइस का डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आता है। नाउ अब बात करते हैं कैमरास को लेकर, तो Realme Narzo 30 के साथ आपको वही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहां पर प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। वहीं Redmi Note 10 Pro में भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है बट जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है जहां पर आपको 2x टेलीफोटो जूम का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये एक यहां पर प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो लास्ट सेंसर है वही 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की जरूरत है कि Redmi Note 10 Pro में आपको बेटर कैमरा ऑप्शन मिलते हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों डिवाइस 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं। गाइस अब बात करते हैं बैटरी फीचर को लेकर, तो दोनों डिवाइस के साथ में आपको लगभग सिमिलर से बैटरी मिलती है, लाइक Redmi Note 10 Pro के साथ आपको 5020mAh की बैटरी देखने को मिलती है जहां पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं Narzo 30 Pro के साथ आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, लगभग सिमिलर से बैटरी है, बट यहां पर आपको सिर्फ 30W की फास्ट चार्जिंग ही दी गई है, तो चार्जिंग स्पीड Redmi Note 10 Pro में स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज और मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि Redmi Note 10 Pro एक सुपर AMOLED पैनल के साथ में आता है, जैसा कि मैंने बताया कि पावर कंज्यूप्शन बहुत ही कम करता है जिससे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। गाइस अब बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर, जो कि इस कंपैरिजन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी वजह से लोग इन्हें परचेस करना या फिर नहीं करना डिसाइड करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि Realme Narzo 30 Pro के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, बट Redmi Note 10 Pro के साथ में आपको सिर्फ 4G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो Realme Narzo 30 Pro पावर करता है MediaTek Dimensity 800U के चिपसेट को, जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक करता है। ये एक ऑक्टाकोर चिपसेट है जहां ऊपर के दो कोर Cortex A76 के साथ 2.4 GHz पर क्लॉक करते हैं और नीचे के 6 कोर Cortex A55 के साथ 2.0 GHz पर क्लॉक करते हैं। ये चिपसेट 7nm बेस चिपसेट है, पावर एफिशिएंट है, Mali G57 MC3 के GPU के साथ में आता है। बाकी जो Redmi का Note 10 Pro है वहां पर आपको ऑफर किया गया है Qualcomm Snapdragon 730 2G का चिपसेट, जो कि 2.3 GHz पर
क्लॉक करता है। ये भी एक ऑक्टाकोर चिपसेट है जहां ऊपर के दो कोर कॉर्टेक्स A76 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक करते हैं और नीचे के 6 कोर क्रायो 470 कॉर्टेक्स A55 के साथ 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक करते हैं। ये चिपसेट A10 आर्किटेक्चर बेस है और एड्रिनो 618 के GPU के साथ आता है। तो गाइस देखो, चिपसेट दोनों काफी पावरफुल है, बट मीडियाटेक डायमेंसिटी का जो 800U है, यहां पर आपको जो क्लॉक स्पीड है वो स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है और GPU भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, जिससे आप अच्छी खासी गेमिंग यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा जो अंतुतु और Geekbench स्कोर अगर आप इन दोनों चिपसेट का देखते हो तो नो डाउट यहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी का थोड़ा बेटर स्कोर निकल कर आता है। तो गाइस देखो, परफॉर्मेंस नो डाउट मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U के साथ में बेटर देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्नैपड्रैगन 732 आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वहां पर भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, अच्छी खासी गेमिंग आप वहां पर भी कर सकते हो। बट मीडियाटेक के चिपसेट के साथ में एक छोटा सा इशू ये है कि वहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से काफी बार आपको मीडियाटेक के चिपसेट के साथ में हीटिंग इशू देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा कुछ इशू आपको क्वालकॉम के चिपसेट के साथ में देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी सबसे बड़ी बात कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला जो चिपसेट है ये 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, जबकि क्वालकॉम 732 जिससे 4G सपोर्ट करता है। सो कौन सा डिवाइस आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में भी बता देता हूं। अब ये फीचर मैं यहां पर इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आउट ऑफ द बॉक्स दोनों डिवाइस के साथ में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। जो रेडमी नोट 10 प्रो है वहां पर आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा और जो रियलमी नार्जो 30 प्रो है वहां पर आपको रियलमी UI देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों डिवाइस में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक और सभी तरह के सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों डिवाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज भी यहां पर बिल्कुल कॉमन है। लेकिन रेडमी नोट 10 प्रो के साथ में एक एडिशनल फीचर है कि यहां पर आपको IR ब्लास्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आपको रियलमी नार्जो 30 प्रो में देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज भी कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा मैटर करती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में और फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो रेडमी नोट 10 प्रो का 6GB 64GB वेरियंट आपको 15,999 के प्राइस पर मिलता है, जबकि नार्जो 30 प्रो का जो बेस वेरियंट है, मतलब सेम वेरियंट 6GB 64GB का जो प्राइस है वो है 17,000 रुपए। मतलब सिर्फ 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं नार्जो 30 प्रो के लिए। अब आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, तो गाइस देखो, अगर आपको परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करना है और आपको एक 5G स्मार्टफोन का ही रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप रियलमी नार्जो 30 प्रो के साथ में जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, स्टेबल परफॉर्मेंस आपको चाहिए और बाकी फीचर से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लाइक डिस्प्ले बेटर चाहिए, बैटरी काफी अच्छी चाहिए, कैमरास काफी अच्छे चाहिए और एक बहुत ही अच्छा डिजाइन आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप रेडमी नोट 10 प्रो के साथ में जा सकते हैं। तो गाइज ये था एक मेजर कंपैरिजन रेडमी नोट 10 प्रो और रियलमी नार्जो 30 प्रो के बीच में। आई होप वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।